1993 के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ चुनावी मैदान में है और उसकी झलक इस वक्त देखने को मिल रही है। मंच पर भी आप देखिए, आप ये बड़ा सा होर्डिंग यहाँ पर जो लगाया गया है, वहाँ पर एक तरफ जहाँ अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, दूसरी तरफ बसपा की मुखिया मायावती की तस्वीर लगी हुई है और दूसरी तरफ अगर हम नजर डालेंगे जो नीले रंग का आपको आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है, वहां पर मुलायम सिंह यादव दिखाई दे रहे हैं और रंग में भी यहां पर पार्टियां बटी हुई हैं। एक तरफ लाल और हरा समाजवादी पार्टी का रंग है तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो नीला रंग है वो बीएसपी का रंग है। लेकिन दिलचस्प है, बड़े दिग्गज नेताओं की फोटोग्राफ भी यहां पर बीएसपी की लगी हुई है। कुछ लोग यहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्थानीय विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनसे हम बातचीत करते हैं। बसपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल मिल गए मुलायम सिंह यादव को जिताने के लिए? उनके दिल बहुत मन से मिले हैं और ये पहला गठबंधन है जो कार्यकर्ताओं की मांग पर हुआ है, मतदाताओं की मांग पर हुआ है। ये बिल्कुल दिल से गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, अटूट गठबंधन है। आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मांग करेंगे कि मायावती जी आकर यहाँ पर मुलायम सिंह जी के लिए चुनाव प्रचार करें, उनको जिताने की अपील करें? हमने अपील की और अपील स्वीकार हुई है। 19 तारीख को बहनजी वोट मांगने आ रही है, 19 तारीख को वोट मांगने मुलायम जी के लिए आ रही है साझा मंच पर माननीय अखिलेश जी के साथ। बीएसपी के भी नेता हैं, बीएसपी के नेता आप हैं, मुलायम सिंह जी के लिए वोट मांगेंगे आप? बिल्कुल, पूरा जिले का कार्यकर्ता घर घर जा करके और ये मीडिया के तो कम हमारा कार्यकर्ता गेट बाय गेट जाकर के दरवाजे में जाकर वोट मांगता है, ये ना हमारे हम लोग मीडिया पे कम विश्वास करते हैं। पहले ये बताइए, आप लोगों के दिल तो मिल गए ना, पहले बहुत झगड़ा चलता था बीएसपी और समाजवादी पार्टी में, आप दिल तरीके विधायक जी हम लोग रोज अपने सामने लड़े दोनों लोग एक साथ वोट मांगे जी, एक साथ मांग रहे जी, हम दोनों लोग साथ वोट मांग रहे हैं, बीजेपी को हराना है इस वजह से साथ में अब आगे बढ़ना है। जी जी, लक्ष्य हमारा यही लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा ये भाजपा को हराना है। मुलायम सिंह जी जीतेंगे यहाँ से एक बार फिर? नेताजी लंबे समय से 91 से लेकर के नेताजी के आशीर्वाद से उनके परिवार के और उनके कहने में यहाँ बलराम सिंह यादव जी से लेके उदय प्रताप जी से लेके लंबे समय से समाजवादी पार्टी के यहाँ जो भी प्रत्याशी लाखों लाखों मतों जीते, नेताजी जीत तो कन्फर्म है। अब केवल अब हम लोगों का लक्ष्य है उनकी जीत को ऐतिहासिक जीत, देश ऐतिहासिक जीत बनाना। आपको बता दें 1996 से लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, ये अपने आप में दिलचस्प है, तब से लेकर 8 यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं और लगातार समाजवादी पार्टी ही जीती है। यहाँ पर फिलहाल आप नेताओं की बड़ी फौज देख रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, जरा उनके पास हम चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है, वो कितने जोश में है समाजवादी पार्टी के दिग्गज को जिताने के लिए, लोगों से बातचीत करते हैं। मुलायम सिंह जी जीतेंगे कब? बिल्कुल जीतेंगे फिर से। आप मुलायम जी के लिए भी वोट मांगेंगे, मायावती के लिए भी वोट? जी हाँ, जहाँ से नेताजी के लोग खड़े हुए वहाँ नेताजी के लिए वोट पड़ेंगे और जहाँ मायावती जी के लोग खड़े हैं वहाँ मायावती जी के। आप भी ऐसे ही वोट? इतने भारी बहुमत से जीतेंगे, विरोधी तो अभी परास्त हो गए। विरोधी परास्त हो जाएंगे इस बार? बिल्कुल परास्त हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का अगर जीते ये लोग? प्रधानमंत्री बनेगा गठबंधन का, टोपी पहने हैं साइकिल की, तो क्यों नहीं कहते हैं कि मुलायम सिंह या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का गठबंधन का बनेगा मैम? और हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई नेता आया चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों मजलूमों का, तो आदरणीय मुलायम सिंह और शिष्ट और बढ़िया कोई नेता आया तो अखिलेश यादव। तो क्यों नहीं कहते हैं दोनों में से कोई प्रधानमंत्री बने? डरते हैं कि आप लोग मायावती बनेगा गठबंधन का बने? चलिए, एक नेता जी है यहाँ पर फोन पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प इनकी टोपी है, लाल और नीला दोनों रंग मिला हुआ है, किस पार्टी से है फिलहाल? मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। आप समाजवादी पार्टी से हैं, टोपी तो बड़ी अच्छी लगाई है, लेकिन लेकिन का गठबंधन है हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, तो हम लोगों का खुदा हो गया। और ये इतना जो बीएसपी के लोगों से आप झगड़ा करते थे, झगड़ा खत्म हो गया? नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कौन कर रहा है? राजनीतिक झगड़ा नहीं होता था? राजनीतिक तो हर परिवार में भी होता है। ये स्पेशल टोपी सिलवाई है आपने, है ना? स्पेशल जब हम लोगों का गठबंधन है, गठबंधन के कपड़े की टोपी है। ये देख लीजिए, ये टोपी बड़ी दिलचस्प है, एक तरफ ये देखिए, ये जो लाल रंग है ये लाल रंग समाजवादी पार्टी का है और ये नीला रंग बीएसपी का है। गठबंधन की अब सरकार बनाने का इन लोगों का दावा है, इस वजह से कह रहे हैं कि गठबंधन का ही प्रधानमंत्री बनेगा। और यहाँ की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाने चाहेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सपा के लिए भी बसपा के लिए भी दोनों के लिए वोट मांगना पड़ा है अब? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी
इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी से समझौता इसलिए किया है कि देश बहुत खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश खतरे में है या आपकी पार्टियां खतरे में है? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने बहन कुमारी मायावती जी से जो समझौता किया है वो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान सम्मत काम करने के लिए बनाया। मुलायम सिंह जी जीतेंगे? मुलायम सिंह जी भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीते। देखिए लोगों का दावा है मुलायम सिंह यादव जी सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। एक बार सामने की तस्वीरें मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन अनुराग सक्सेना आपको दिखाए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी न सिर्फ दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता मुझे नजर आ रहे हैं अपनी अपनी टोपियों में, बल्कि यहाँ पर जो आप देखेंगे गुब्बारे लगाए गए हैं उन गुब्बारों में भी आपको लाल नीले और हरे रंग की झलक मिल जाएगी। लाल और हरा समाजवादी पार्टी का जो झंडा है उसका ये रंग है और नीला रंग है बीएसपी का। साथ में आप सामने ये भी देखिए, मैं चाहूंगी आपको अनुराग जरूर दिखाएं, जो झंडे लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी का झंडा थोड़ा बड़ा है, बीएसपी का झंडा थोड़ा छोटा है। उसके पीछे की रणनीति दरअसल ये है, चूंकि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से मैदान में है मुलायम सिंह यादव जी खुद यहाँ से मैदान में है, यानी कि वो बड़े भाई की भूमिका में, बीएसपी छोटे भाई की भूमिका में, और इस तरीके से इस पूरे एरिया को तैयार किया गया है।